इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे के दरवाजे पे खड़े थे और मुख्तार सकफी पे लानत कर रहे थे। लोगों ने कहा, इमाम आप लानत कर रहे हो। फरमा, हमारे बारे में उसने सच क्या बोलना है? जो रब के बारे में झूठ बोलता हो हमें कैसे छोड़ेगा? जमाना गुजरने से आज कैसे जहालत या बादी एतकादी हमला करती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नजरिया क्या है, वो क्या फरमा रहे हैं, और जो दावेदार हैं क्या हम उनकी नस्ल में से हैं जिस पर वो काबे के दरवाजे में खड़े होकर लानत कर रहे थे, ये जाके उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। हमारी बात जो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले हैं इस वक्त डायरेक्ट उनसे है, दिखाओ अहले सुन्नत में से किसने उसके बारे में उसके मोमिन होने का कौल किया। ये सादात की गैरत है। और फरमाया, तोहफा तोहफा रहा, भला अकराउ कुतुबा हूं, मैं कज़्ज़ाबों के खत भी नहीं पढ़ता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि वो कहता है मुझ पे वही आती है। फकाला सदका, सच कहता। कहते हैं वकाला ताला وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم, जिन लोगों ने कत्ले सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु में किसी लिहाज से भी हिस्सा लिया वो कायनात के नहायत कमीने लोग थे, और कातिल जो है वो कभी भी अजाब और लानत से बच नहीं सकेगा। उनसे बदले की आड़ में इसने तहरीक उठाई। उसके बाद अगर ये मान भी लिया जाए कि इसने उन में से एक एक को कत्ल भी किया, लेकिन फिर भी जो उससे बड़ा हक था उसको जब रौंदा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन सैयदिर रसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबियीन व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला अलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या खातमन नबीयीन व अला अलिका व अस्हाबिका या सैयदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रहु फर्दुन अलल उममी। रब्बी सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिमी। खुदाया बहक्के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जब ख़त्मे नबूवत का अकीदा याद करता हूँ,
मैं जब ख़त्मे नबूवत का अकीदा याद करता हूँ, मैं अपने आप को हर कैद से आज़ाद करता हूँ। मैं जब ख़त्मे नबूवत का अकीदा याद करता हूँ, मैं अपने आप को हर कैद से आज़ाद करता हूँ। हैं जिंदा रोज़ाए अक़दस में मेरे सैयदो सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा ख़त्मे नबूवत में हर हर अकीदे की झलक है। हैं जिंदा रोज़ाए अक़दस में मेरे सैयदो सरवर, वो करते हैं मदद मेरी मैं जब फरियाद करता हूँ। है जिंदा रोज़ाए अक़दस में मेरे सैयदो सरवर, वो करते हैं मदद मेरी मैं जब फरियाद करता हूँ। जिसे ख़त्मे नबूवत के अकीदे से अदावत हो, जिसे ख़त्मे नबूवत के अकीदे से अदावत हो, मैं उस मूजी की हर साजिश को खुद बर्बाद करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे ख़त्मे नबूवत के अकीदे से अदावत हो, मैं उस मूजी की हर साजिश को खुद बर्बाद करता हूँ। ज़माने के हवादिस जब मुझे आके सताते हैं, ज़माने के हवादिस जब मुझे आके सताते हैं, उन्हें रख के तसव्वुर में मैं खुद को शाद करता हूँ। ज़माने के हवादिस जब मुझे आके सताते हैं, उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें रख के तसव्वुर में मैं खुद को शाद करता हूँ। मैं जब ख़त्मे नबूवत का अकीदा याद करता हूँ, मैं अपने आप को हर कैद से आज़ाद करता हूँ। सनद ईमान की ख़त्मे नबूवत की गवाही है, सनद ईमान की ख़त्मे नबूवत की गवाही है, इसी बुनियाद पर नारे जहन्नम से रिहाई है। सब कुछ कोई मानता हो, अगर अकीदा ख़त्मे नबूवत नहीं रखता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता माज़ अल्लाह, तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। सनद ईमान की ख़त्मे नबूवत की गवाही है, इसी बुनियाद पर नारे जहन्नम से रिहाई है। तहफ्फुज़ दीन का मौकूफ़ है ख़त्मे नबूवत पर। नमाजें पाँच हैं, छः नहीं हो सकती, दिन में पाँच नमाजें फ़र्ज़ हैं, चार नहीं हो सकती। रमज़ान का रोज़ा यानी एक माह के रोज़े हैं, चार के नहीं हो सकते या निसफ़ माह के नहीं हो सकते। ये जो पूरा दीन है कैसे महफूज है? क्या वही नहीं आ सकती कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप फिक्स कर गए हैं, पूरे दीन को मुकम्मल कर गए हैं, अब तब्दील नहीं हो सकता। तहफ्फुज़ दीन का मौकूफ़ है ख़त्मे नबूवत पर। ये फरमाने मुहम्मद है, ये फरमाने इलाही है। सनद ईमान की ख़त्मे नबूवत की गवाही है, इसी बुनियाद पर नारे जहन्नम से रिहाई है। तहफ्फुज़ दीन का मौकूफ़ है ख़त्मे नबूवत पर। ये फरमाने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाने मुहम्मद है, ये फरमाने इलाही है। सिवाय जिसके हासिल असले ईमा हो नहीं सकता, सिवाय जिसके हासिल असले ईमा हो नहीं सकता, अलल ऐलान कहते हैं वो पिन्हा हो नहीं सकता। जिसे ख़त्मे नबूवत पर नहीं हासिल यकीन आसिफ, खुदा शाहिद है हरगिज़ वो मुसलमा हो नहीं सकता।
जिसे खत्म नबूवत पर नहीं हासिल यकीन आसिफ, खुदा शाहिद है हरगिज वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़खरे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ायदुल मुरसलीन खातमन नबीयीन अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से 7 सितंबर के तारीखी दिन में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में सालाना अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। शुरू से लेकर आज तक जितने नफूस कुलसिया ने ज़ुबान से, कलम से, तलवार से, ज़ोरे बाजू से, अपने लहू से, अपनी सलाहियतों से, अपने वक़्त से, अपने माल से अकीदा ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ये कॉन्फ्रेंस उन सब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। आखिरी अहद के अंदर मुसलमा पंजाब के मुकाबले में मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ पीर तरीक़त हज़रत सैदना पीर सैद मेर अली शाह साहेब गोलड़वी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी साहेब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ दीगर बहुत से अकाबिर ने मिर्ज़ा क़ादियानी के ख़िलाफ़ जिहाद किया। अल्लाह उन सब के मराकिद पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और पाकिस्तान के अंदर फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में तहरीकें चलें। उनमें जितने लोग शहीद हुए हज़ारों की तादाद में अल्लाह उन शहीदों के मराकिद पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और जितने कायदीन ने इस सिलसिला में कौम की रहनुमाई की अल्लाह सब के दराजात को बुलंद फरमाए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस जदीद दुनिया के अंदर जो मुल्कों की तकसीम है उसके लिहाज से एक मुनफरिद कारनामा सर अंजाम दिया और कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया गया। इसके बाद दूसरे ममालिक में इसकी इक्तदा में बाद जगहों पे करारदादें मंजूर हुईं। इस तमाम ईमानी तहरीक के जितने कायदीन थे बिलखसूस कायद अल सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला और दीगर तमाम अकाबिर, हम उन सब को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल इन सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए और हमें भी आखिरी सांस तक अल्लाह अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो पूरा कुरान मजीद अलहम से लेकर वन्नास तक ये ख़त्म नबूवत का बयान है और इसकी तफसीलात भी हम पेश कर चुके हैं जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में सबसे आखिर हैं, खातमुल अंबिया हैं और अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ का
इल्म रखने वाला है। अकीदा खत्म नबूवत पर आज एक नए पहलू से हम गुफ्तगू करना चाहते हैं और वो भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जिस आवाज़ का कहत पड़ चुका है और इसका इजहार बहुत ज़रूरी है, उसी सिलसिला में ये हवालाजात इंशाअल्लाह हम अपने इस मकाला में पेश करेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुतबात अकीदा ख़त्म नबूवत से मुंसलिक हैं, जिनमें बयान ख़त्म नबूवत है, वो 10,000 से ज़ायद हदीसें हैं। उन्हीं में से आज के मौजू में चंद अहादीस पेश करके फिर उसकी तहकीक और उसके जो मसाइल साबित शुदा हैं वो पेश करना आपके सामने मकसद है। बुखारी शरीफ में है वो खबरें जो आपने मुस्तकबिल की दी। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1787 पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, इसका नंबर है 7121। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ला तकूमुस्सा, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक के ऐसा नहीं हो जाएगा। वो चंद चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। ये इल्मे गैब है अल्लाह की अता से। कुछ लोग तो कहते हैं कि कल का नहीं बता सकते थे, पता नहीं वो किस तरह ख़त्म नबूवत बयान करते हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक के क्या होगा, हत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़ाबून, यहां तक के दज्जाल और कज़्ज़ाब भेजे जाएंगे, यानी दुनिया में दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे। उस बड़े दज्जाल से पहले कितने आएंगे? फरमाया करीबुम मिन सलासीन, 30 के करीब होंगे। कुल्लुहुम यज़्ज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह, उनमें से हर एक का यह दावा होगा कि माज अल्लाह वो अल्लाह का रसूल है। यानी जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, फरमाया क़यामत से पहले 30 के करीब, 30 के करीब दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, यानी नबूवत के झूठे दावेदार 30 के करीब। हर एक ये कहेगा उन 30 में से माशाल्लाह कि रब ने उसे रसूल बनाया है, वो अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है, उस पर वाहय उतरती है माशाल्लाह। ये खबर सदियों पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और इसका मकसद ये था कि उम्मत बाखबर रहे कि ऐसे दज्जाल कज़्ज़ाब जब आए तो उम्मत उनका मुकाबला करे और मेरी खत्म नबूवत पे पहरा दे। यानी अगर ना पता होता हमें तो फिर बहुत थोड़े लोग हैं जो मुत्तले होते और वो दज्जाल कज़्ज़ाब फेरा मार के चले जाते, उम्मत को तबाह कर देते। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें इस जिहत में भी पहले अंबिया अलैहिस्सलाम से मुनफरिद हैं कि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने जमाने के फितनों की बात करते थे। उन्हें पता था हमारे बाद और नबी आएंगे और वो संभाल लेंगे, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा चुके थे कि मैं आखिरी नबी हूं। तो क़यामत तक के फितनों से बचाने का एहतमाम और तरीका और उन के बारे में इत्तला और तंबी और मसले का हल और बीमारी का इलाज और फितनों से बचाओ, ये सब कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का हिस्सा है। तो आपने फरमा दिया कि ऐसे लोग आएंगे, इस वजह से लोगों का ईमान तबाह करेंगे कि जो भी उनको माज़अल्लाह फिर मानेगा, यानी नबी रसूल मानना तो और की बात है, उनको सिर्फ मुसलमान मान लेगा तो उसका ईमान भी तबाह हो जाएगा। ये खबर दी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 30 के करीब, यानी ये जो बड़े बड़े ज्यादा मोहलिक है उनकी बात हो रही है, आगे इनके नीचे या मामूली फितने वो तो बहुत से हैं, ये जो इस तक पहुंच जाए कि दज्जालून कज़्ज़ाबून,
30 के करीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तादाद बताई। इनमें से हर एक ही बड़ा खतरनाक है, इनमें से हर एक का रद फर्ज है, इनमें से हर एक को जिनका जिक्र हदीस में आ रहा है उनको काफिर मानना, अगर पहले मुसलमान थे तो फिर मुर्तद मानना यह जरूरी है अपना ईमान बचाने के लिए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कुछ की तरफ इशारे भी किए हैं, बल्कि बात इशारों तक ना रही, कुछ का नाम भी लिया है। आज अकीदा खत्म नबूवत का दिन मनाते हुए हम करोड़ों बार लानत भेज रहे हैं मिर्जा मलून पर, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत। ये जितनी भी भेजें वो मुस्तहिक है, लेकिन हमारा मौजू साथ ये भी है कि इस तरह के जो जो हैं तारीख में जो गुजर चुके, कहीं ऐसा ना हो कि उनका बंदों को तारफ ही ना हो और कोई उनकी लिए फातिहा पढ़े। आज ये जो हम 7 सितंबर का दिन या खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में मिर्जे का रद्द करते हैं तो उसका ये फैज है और उसका कि ये बेदारी है कि आपको मिर्जे के नाम से भी नफरत है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके लिए दुआ खैर करें, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके लिए फातिहा पढ़ें, यानी दिल पहले ही इतना लानतों से, यानी उस पर लानत करने के जज्बे से भरा हुआ है कि वो बाय से लानत है, दुआ कैसे हो सकती है। लेकिन याद रखो जब ऐसे मलूनों का जिक्र ना हो या तारफ छोड़ दिया जाए तो चलते 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 कौमों को भूल जाता है, फिर उनकी कब्रों पर लोग जाके फातिहा खानी शुरू कर देते हैं। अवाम तो अवाम, चाहे लोग अनपढ़ तो अनपढ़ रहे, बड़े बड़े इल्म के दावेदार और पढ़े हुए भी इस बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। तो इस वास्ते ये जो हदीस शरीफ है कज़्ज़ाबून दज्जालून करीबुम मिन सलासीन, इसकी रोशनी में खोज लगाना चाहिए कौन कौन हुआ कब हुआ, ताकि उम्मत महफूज रखे अपने ईमान को। क्योंकि वैसों को नबी मानने से ही सिर्फ ईमान बर्बाद नहीं होता, उन्हें मुसलमान मानने से भी ईमान बर्बाद हो जाता है, उन्हें काबिले दुआए बख्शिश मांगने से भी ईमान बर्बाद हो जाता है। तो जो बुखारी शरीफ की मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, इससे फिर एक अगला स्टेप है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 2554 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1972। इसकी रवायत करती हैं अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे सहाबा की उस्ताज हैं, जो गारे सौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत की रात खाना पहुंचाने वाली हैं, 74 हिजरी तक जिंदा थी। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो नहायत जालिम इंसान था, उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हजरत अस्मा बिनत अबी बकर के साहबजादे थे, उन्हें सूली पे चढ़ाया मक्का मुकरमा में, और उसके बाद उसका आमना सामना हुआ हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, जो भी जिंदा थी। वो एक तवील मुकालमा है। उस वक्त हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज्जाज के सामने ये हदीस पेश की। उसके रद में उस हदीस का ये हिस्सा है, आप फरमाने लगी अमा इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दा साना, याद रख हज्जाज खबरदार, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें यह हदीस बयान की है। क्योंकि वो कह रहा था देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी मुखालफत की तो मैंने उसकी दुनिया खराब कर दी, आपने फरमाया तुमने मेरी बेटे की दुनिया खराब की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत खराब कर दी। तो
इस तरह गुफ्तगु हो रही थी। उसने कहा या उम्मा, आपने फरमाया मैं तेरी अम्मी नहीं हूं, मैं उसकी अम्मी हूं जो सूली पे अभी भी लटक रहा है। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हदीस बताई थी, हद्दसना अन्ना फी सकीफा कज़्ज़ाबा व मुबीरा, कि सकीफ खानदान के अंदर एक कज़्ज़ाब आएगा और एक मुबीर आएगा। अब ये हदीसें उसी मसलक पर कमा हक्कू बयान की जा सकती हैं जो उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, कि नमाज रोजे के साथ साथ ये खबरें भी दी जिनका तल्लुक उमूर गैबिया से था और वो सच्ची साबित हुई। तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत किया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मैंने खुद सुना है, आपने फरमाया कि सकीफ में दो बंदे होंगे यानी खतरनाक, कज़्ज़ाब होगा एक और एक मुबीर होगा। लफ्ज़ कज़्ज़ाब वैसे तो आम भी लोग बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा झूठा वो है जो अल्लाह के बारे में झूठ बोले, यानी मुबालगा का सीगा है। अल्लाह के बारे में झूठ बोले क्या क्या मतलब है कि ये कह के अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, माशाल्लाह, जबकि रब ने तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। ये कहता है मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, या कहता है मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हासिल है, जबकि सरकार फरमा चुके हैं मैं तो आखिरी नबी हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक मुबीर होगा। मुबीर कहते हैं फसादी को, मुफसिद को। ये हदीस शरीफ जब खुद राविया ने पेश की हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा ने, तो फरमाने लगी फअम्मल कज़्ज़ाबा फरईना हो, उस कज़्ज़ाब को तो हमने पहले देख लिया है, कज़्ज़ाब को तो मैं जानती हूं, वो हमसे भूला हुआ नहीं है। वह अम्मल मुबीर हो फला इखालू का इल्ला इया का, जहां तक मुबीर की बात है मुफसिद तो वो तुम हो। फकाम अनहा वलम युराजिहा, तो जब आपने हदीस से ये हज्जाज का रद किया कि तुम हो सकीफ के वो बंदे के जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामजद करके गए हैं कि तुम मुबीर हो, जो कज़्ज़ाब था वो तो हमने देख लिया, वो तो पहले ही मुय्यन है और तुम मुबीर हो। अब इस पर मैं अभी सही मुस्लिम की जो शुरुआत हैं, जो जामे तिरमिजी की शुरुआत हैं, जो मिशकात शरीफ की शुरुआत हैं, आले सुन्नत का जो पूरा लिटरेचर है इस पर, उसको बयान करूंगा इंशाल्लाह। उससे पहले जामे तिरमिजी में जब इस हदीस को रवायत किया गया तो खुद इमाम तिरमिजी ने यहां क्या लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको फरमा रहे हैं, किसके बारे में। तो ये जामे तिरमिजी है, सफा नंबर इसकी जिल्द नंबर 3 है, किताबुल फितन सफा नंबर 238। इसमें ये हदीस हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी नहीं, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। अन इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सकीफिन कज़्ज़ाबुन व मुबीरुन, के सकीफ कबीले के अंदर एक कज़्ज़ाब है और एक मुबीर है। इस हदीस पर इमाम तिरमिजी ने तबसरा क्या लिखा, काल अबू ईसा युकालो अल कज़्ज़ाबु अल मुख्तार इब्न अबी उबैद वल मुबीर अल हज्जाज इब्न यूसुफ, के जिस कज़्ज़ाब दज्जाल का तज़करा उन 30 में से एक का इस हदीस के अंदर है वो मुख्तार सकफी है, और जिस मुबीर का जिक्र है वो हजाज बिन यूसुफ है। यानी ये जो अहले सुन्नत की सियासत्ता हैं उनमें से बुखारी मुस्लिम के बाद ये तिरमिजी, इसमें अलहदा सहाबी से जब ये रवायत है तो खुद इमाम तिरमिजी आगे कज़्ज़ाब का मतलब बता रहे हैं, और यहां उन्होंने उस मुबीर के बारे में जो हजाज बिन यूसुफ है लिखा, आप हैरान रह जाएंगे। आप फरमाते हैं कातल अल हज्जाज सबरा फबालगा मियात अल्फ व इशरीन अल्फ कतील अहसौ मा कतल अल हज्जाज सबरा, कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जिन लोगों को कत्ल किया था दाहक जुल्मन, जब उनकी गिनती की गई तो कितने थे,
इमाम तिर्मिजी कहते हैं 120,000 इंसान थे जिनको हज्जाज बिन यूसुफ जालिम ने कत्ल किया, जिनमें कसीर तादाद सहाबा की थी, जिनमें उनके बाद एक बड़ी तादाद ताबीन की थी। तो यह हदीस शरीफ जिसके दूसरे रावी अभी मैंने पेश की और साथ खुद जो मुहद्दिस है उनकी तरफ से इसका मतलब भी बताया गया कि वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकीफ के अंदर दो बताए थे कि एक कज्जाब होगा और दूसरा मुबीर होगा, तो कज्जाब कौन है यहां इन्होंने अपने लफ्जों में उसका जिक्र किया। लेकिन जब हमने देखा तो खुद हदीस में भी उसका नाम निकल आया, यानी जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लफ्ज मरफूअन रिवायत है, पहले यह खबर कि 30 दज्जाल कज्जाब और फिर यह खबर कि सकीफ के अंदर एक कज्जाब और एक मुबीर होगा, और इसके बाद जो दलालुन नबुआ है इमाम बहकी की, दलालुन नबुआ के अंदर इमाम बहकी ने यह लफज हदीस शरीफ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। ये दलालुन नबुआ इसकी जिल्द नंबर 6 है, इसमें सफा नंबर 481 है, और इस पर पूरा तर्जमातुल बाब कायम किया है इमाम बहकी ने। तर्जमातुल बाब, बाब क्या है? मा जा फी इखबारही बिमन यकूनु बादहु मिनल कज्जाबीन। बाब इस बारे में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बाद जो कज्जाब होंगे उनके बयान में। वह इशाराती ही इला मन यकूनु मिनहुम मिन सकीफ, और उन 30 में से मिर्जा मलून की बारी तो बड़ी बात जाके आ रही है, उन 30 में से जो सकीफ में से होना था उसकी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया और लफ्जों में बता दिया। तो कहते हैं फकाना कमा अखबारा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सच्ची साबित हुई, जैसे आपने बताया था वैसे ही हुआ। तवज्जो करना, यह एक मौजू है मुहद्दिसीन का, और इस वक्त इस मौजू पर सऊदी अरब में बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि जब वेस्ट की तरफ से यह इतराज हो रहा है कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों से पहले के मामलात तो सही समझते थे, आज नई दुनिया है, आज का तो उनको माजल्ला पता ही नहीं था, तो अब किसी नए नबी की जरूरत है माजल्ला। इस बेस पर उन्होंने कादियानी से दावा करवाया और फिर इस तरह की दीगर शरारतें। ये वेस्ट की तरफ से जब कहा जा रहा है तो अब सऊदी अरब में भी ऐसी किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं जिनका यह मौजू है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे सदियों पहले पैदा हुए थे मगर जो कुछ आज हो रहा है या क्यामत तक होगा सब कुछ वो देख रहे थे, और जो उन्होंने फरमाया वैसे ही सब कुछ हो रहा है। और यह बात भी उसी तरह का है, फकाना कमा अखबारा, कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी वैसे ही हुआ। जैसे कि सही बुखारी में वह अब्दुल्ला बिन रवाह का शेर है, यभी तो युजाफी जम्बउन फिराशही इज़्तस्तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजीउ अरान अल हुदा बाद अल अमा फकुलूबुना भी मूकनातुन अन्नमा काला वाकिउ। सरकार के सामने जब नात पढ़ी जा रही थी, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ रहे थे और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु उसकी हदीस की रिवायत कर रहे हैं, तो सहाबा क्या नात पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और मेरे आका अलैहि सलाम किस चीज की तस्दीक कर रहे थे? इन अखाकुम ला यकुलु रफसा, कि तुम्हारे भाई ने झूठ नहीं बोला, सहाबा सच्ची नात पड़ी है। उसमें यह था फकुलूबुना, बस हमारे दिल बिही मूकनातुन इस बात पे यकीन रखते हैं, अन्ना मा काला वाकियू, आपने जो जो क्यामत तक की खबर दी है हर एक वैसे ही है जैसे आपने खबर दी है। अब यहां इस तर्जमातुल बाब के तहत कि ये नबुवत की निशानी है,
नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की यह निशानी है। क्या यह हदीस शरीफ या यह बयान जो आगे सनद के साथ उन्होंने रिवायत किया, जिसमें हदीस जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला तक पहुंचती है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो करना, ला तकूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। अब अगले लफ्ज ना खारजी पढ़ सकता है, ना राफजी पढ़ सकता है, ना नासबी पढ़ सकता है, ना राफजी पढ़ सकता है। अगर पढ़ सकता है तो गंजे बख्श अजवेरी के अकीदे वाला पढ़ सकता है, और सुन के खुश होगा तो वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखता है, सिर्फ वो कल की खबर नहीं, करोड़ों कल की खबर रखते हैं। तो दो हदीसें पहले बुखारी मुस्लिम और फिर तिर्मिज़ी से, अब इसमें बाकायदा नाम आ गया। उन 30 में से पहले 3 का मिर्जा मलून का नंबर, उस लानती का बाद में जो पहले 3 जुबाने रिसालत ने जिनको बयान कर दिया, कैसे बयान किया? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, حتى يخرج 30 كذابا, यहां तक कि 30 कज़्ज़ाब निकलेंगे, منهم مسلمه والأنس والمختار, उन 30 में से पहले 3, उनमें पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब, दूसरा अस्वद अंसी और तीसरा मुख्तार सख्ती। इल्म देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर इसका रद्द कितना जरूरी है। यानी एक तो यह है कि जिसको कज़्ज़ाब साबित किया वक्त के उलमा ने, और यह वो है जिसको कज़्ज़ाब कहा रसूलों के सरदार ने, और फिर इसकी कब्र पे जाके लोग फातिहा खानी करें और औलादे रसूल अल्लाह सलाम कहला, औलादे सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहला। इसलिए भी ये मौजू जरूरी है। पहले लोग जाते थे सऊदी अरब में तो वहाबियत खरीद लाते थे, इल्ला माशाल्लाह, कई लोग खराब हुए कि हमने देखा रफादैन कर रहे हैं, हमने देखा आमीन पढ़ रहे हैं। अब जब से ये वीजे खुले हैं इराक की ज्यारतों के, और इराक जाना लोगों का धड़ाधड़ हो रहा, और ज्यारतों पर जाना चाहिए, पाक सरजमीन है इराक, अकलुल अरब है, रौजतुल औलिया है, महदुस सालहीन है, मगर वहां ये भी है कि ऐसे लोगों की भी कब्रें बनी हुई हैं, और अगर पीर होने के दावेदार जाके हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू हो जाएं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? फिर हमारे भिक्की शरीफ के सजादा नशीन जो, उनके तो वो मामू हैं, जो उस शख्स की कब्र पे जाकर दुआ मांग रहे हैं जिसको कज़्ज़ाबून दज्जालून में जुबाने रिसालत ने शुमार किया, सियासिता में जिक्र आया और सारे सुनी लिटरेचर में मौजूद है। अगले दिन शरकपुर शरीफ से एक शिकायत मौसूल हुई कि किसी ये जो खत्म दुरूद पढ़ने वाले महज उलमा है, खत्म जायज है, दुरूद जायज है, लेकिन उन्हें राफजी कहलवा कर या कहकर वो इस मलून के लिए दुआ मगफरत करवा रहा था सुन्नी इमाम। इस वास्ते कोई अपने घर जो करता फिरे करता फिरे, हमने तो अहले सुन्नत के ईमान को बचाना है, और उनके लिए यह जरूरी है कि हमारे आका अलैहि सलाम क्या फरमा गए और सियासिता में क्या लिखा है और इन किताबों में क्या है, बल्कि इसके बारे में तो खुद रवाफिज की किताबों में भी, वो शख्स जिसने सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों को धोखा देने की कोशिश की, उसे मुख्तार सख्फी कहा जाता।
और फिर बाद में यह तहरीक चलाई कि मैं बदला लेना चाहता हूं। अरे मैं दीगर दलाइल तो बाद में दूंगा, लेकिन मैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल इस सिलसिला में पहले पेश करना चाहता हूं। अब उनसे बढ़ के कौन जानता है कि उनका मुहिब कौन है और फराडिया कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत अतहार के अकायद पर जो पीएचडी उनको है और किसको होगी, जो मालूमात उनकी है और किसकी होगी, करबला की आखिरी रात की अमानतें जो उनके पास हैं और किसके पास होंगी। तो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका यह फरमान इमाम ज़ाहबी ने सैयरु अलाम नुबला में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 339 पे जिक्र किया। और इसके रावी कौन हैं? सैयदना इमाम बाकिर। सबसे पहले रावी कहते हैं साल तो अबा जाफर अनिल मुख्तार। रावी कहते हैं मैंने अबू जाफर यानी इमाम मोहम्मद बाकिर से रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि मुख्तार सकफी के बारे में अकीदा क्या रखना चाहिए। फकाला, उन्होंने कहा मैं अपना नजरिया नहीं, मैं अपने अब्बा जी का नजरिया बताता हूं। किसने कहा? इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। काला काम अभी अला बाबिल काबा, कहने लगे मैं अपने अब्बा जी का वो खुतबा सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने कायनात के सदर मकाम काबातुल्ला के दरवाजे में खड़े होकर दिया था। यानी शख्सियत भी चोटी की है और जगह भी मुनफरिद है और मसला भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि यही तो बड़ा मुहिब है। तो यहां कहते हैं काम अभी अला बाबिल काबा फलान अल मुख्तार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु काबे के दरवाजे पे खड़े थे और मुख्तार सकफी पे लानत कर रहे थे। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बड़े नरम दिल, बड़े मेहरबान, जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल रहमत की एक कली, उनको इतना गुस्सा था। लान अल मुख्तार, उन्होंने मुख्तार पे लानत की। फकील लहू तलानुहू व इन्नमा ज़ुबिहा फीकुम। लोगों ने कहा इमाम आप लानत कर रहे हो, वो तो तुम्हारे बदले लेते हुए ज़ुबिहा ज़बा किया गया, फीकुम तुम्हारी नामूस बचाते हुए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला लेते हुए, आले बैत की मोहब्बत का आलम बुलंद करते हुए। उसने तो जान दी थी इन्नमा ज़ुबिहा फीकुम, वो तो तुम्हारे लिए ज़बह किया गया था, तुम्हारे लिए कत्ल किया गया था और आप इस पर लानत कर रहे हो। तो काबे के दरवाजे में खड़े होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्नहु काना यकज़िबु अलल्लाह व रसूली। फरमा हमारे बारे में उसने सच क्या बोलना है, जो रब के बारे में झूठ बोलता हो हमें कैसे छोड़ेगा। कि ये कहे कि हम मैं अहले बैत का नुमाइंदा हूं, मुझे अहले बैत की हिमायत हासिल है, अहले बैत ने मुझे मेरे नाम खत लिखा है कि ये इसकी बैत करो। का इन्नहु काना यकज़िबु अलल्लाह व अला रसूलिही, वो दो हस्तियों के बारे में झूठ बोलता था, एक अल्लाह के बारे में। क्या कहता था? मैं अल्लाह का नबी हूं माशाल्लाह, जबकि अल्लाह ने उसे नबी नहीं बनाया था। तो जो अल्लाह का इतना बड़ा गद्दार हो, दुश्मन हो, क्या मैं उस पर लानत क्यों ना करूं। और कहा दूसरा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर उसने झूठ बोला। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब फरमा चुके हैं क्या ना खातमुल अंबिया अला नबिया बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, और ये कहता मैं नबी हूं, तो ये सरकार को माजला झुटला रहा है।
तो जो अल्लाह के बारे में ऐसा बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले, क्या तुम उसकी ये चीज लिए फिरते हो कि जो भी हफी को हम इसका ये जुर्म देखेंगे कि जो इसने ऐलान नबूवत किया, जो इसने अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के खिलाफ झूठ बोला। फरमाया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि लानत खुद करके और साइल के जवाब के अंदर इस चीज को बयान करके आपने जो मसलक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला के इसके बारे में, और फिर इमाम बाकिर रदी अल्लाह तआला ने जो मसलक था अहले बैत अतहार का इसके बारे में, उसको वाजे किया। अब देखो जमाना गुजरने से आज कैसे कैसे जहालत या बादी एतकादी हमला करती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नजरिया क्या है, वो क्या फरमा रहे हैं, और जो दावेदार हैं कि हम उनकी नस्ल में से हैं, हम उनकी औलाद में से हैं, जिस पर वो काबे के दरवाजे में खड़े होकर लानत कर रहे थे, ये जाके उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, बात जो है। और ये बात भी जेल में रखें, चलो खुद रवाफिज की ये किताब है रिजाले कशी, रिजाले कशी, जिस तरह हमारे रिजाल की किताबें भी मैं पेश करूंगा, उसके अंदर ये जिक्र है इसका, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का कि उन्होंने कैसे इसको अपने दरवाजे से हटाया। ये रिजाले कशी के अंदर जिल्द नंबर एक सफा नंबर 341 अनबी जाफर अलैहिस्सलाम काला कतब अल मुख्तार इब्न अबी उबैद इला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम वबासा इलैहि बिहदाया मिन अल इराक फलमा वक़फू अला बाब अली इब्न अल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दाखला लाज़िन यस्तअज़िनु लहुम फखरजा इलैहिम रसूलहु फकाला अमीतु अन बाबी फइन्नी ला अक़बलु हदाया अल कज़्ज़ाबीन वला अक़रा कुतुबहुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर मदीना मुनव्वरा में इराक से एक वफद आया मुख्तार सकफी की तरफ से, जिनके पास मुख्तार सकफी का लिखा हुआ खत भी था और कुछ तहफ भी थे। वो वफद जब दरवाजे पे खड़ा हुआ और खादिम जो मुलाकात करवाता था उससे कहा गया कि अंदर जाके बताओ कि फलां शख्स का खत आया है और फलां शख्स के तहफ आए हैं, हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला का कासिद अंदर से बाहर निकला और उसने कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह फरमाया है, गैरत देखो सैयदों की और बसीरत देखो आले नबी अलैहिस्सलाम की। क्या फरमाया, फरमाया अमीतु अन बाबी, ये रवाफिज की किताब है, मेरे खादिमों इस शख्स को, इसके कारिंदों को मेरे दरवाजे से हटा दो। अमीतु अन बाबी, इन्हें हटाओ पीछे, इस जगह खड़े होने के ये मुस्तहक नहीं है। क्यों, फरमा इन्नी ला अकबालु हदायल कज़्ज़ाबीन, मैं कज़्ज़ाबों के तोहफे पसंद नहीं करता। हदायल कज़्ज़ाबीन, कज़्ज़ाबीन की हदाया, उनके तहाइफ, ये गैरत है पीरों की, ये सादात की गैरत है। और फरमाया तोहफा तोहफा रहा, वला अक़रा कुतुबहुम, मैं उनके खत भी नहीं पढ़ता, मैं कज़्ज़ाबों के खत भी नहीं पढ़ता, मैं कज़्ज़ाबों के तोहफे भी कबूल नहीं करता। तो इस बुनियाद पर इन लोगों को यहां से हटा दो। ये नजरिया अहले सुन्नत व जमात का तो है ही, और मैं तो ये रवाफिज की किताबों से दिखा रहा हूं। और फिर यहां एक सर्वे इस लिहाज से भी बताना चाहता हूं कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का इसके बारे में फिर क्या नजरिया था, ताबीन का नजरिया क्या था, तबे ताबीन का क्या था, उम्मत की 14 सदियों में अलहक का
इसके बारे में क्या नजरिया था। अलविदा व निहाया में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये कौल मौजूद है, आपसे इस बारे में पूछा गया, जिल्द नंबर 8 अलविदा व निहाया। वकद कीला लिबन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, क्या कहा गया, ये कहा गया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, इन्नल मुख्तार यज़ुमु अन्नल वहया याती है, कि ये दावा है मुख्तार सकफी का, किस पे वाही का नजूल होता है, अभी से अभी जिंदा है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे पूछा गया कि वो कहता है मुझ पे वही आती है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में तफन्नुन भी था। यहां आपने अजीब गुफ्तगू की, जब कहा वो कहता है वही आती है, फकाला सदक, सच कहता है, सच कहता है, क्यों कहते हैं, وقال تعالى وان الشياطين لا يوحون الى اولياءهم, इस पर वो वही आती है जो शैतान अपने यारों को की तरफ करते हैं। इब्ने उमर ने फरमाया, अब सहाबा के फैसले, अहले बैत के फैसले, 14 सदियों के फैसले, और ये उस लिस्ट में है कि जिसको अगर कोई मोमिन, सिर्फ मोमिन समझे तो इस्लाम से निकल जाता है, और इसके के लिए फातिहा खानी करके फिर वो भैंसे आले सुन्नत की सब फसलों को रौंदे। मैं पूछना चाहता हूं पिंडी की सुन्नी कॉन्फ्रेंस वालों से, या जहां जहां उस शख्स की तकरीरें हो रही हैं, कि तुम्हारा ईमान कैसे सलामत है। वो मिर्जा कादियानी मलून करोड़ दर्जा, लेकिन उसका नंबर तो बाद में आ रहा है, ये जिसके लिए फातिहा खानी करने वालों को तुमने अपनी बगलों में बिठाया हुआ है, तुम कैसे सुन्नी हो। हमारी बात जो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले हैं इस वक्त डायरेक्ट उनसे है, दिखाओ आले सुन्नत में से किसने उसके बारे में उसके मोमिन होने का कौल किया। यहां तो सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइमा मुज्तहिदीन, ये तमाम अभी मैं हवाले पेश कर रहा हूं, और दूसरा घर वो तो कुरान को बदला हुआ मानता है, वो तो गैर नबी को नबियों से भी अफजल माजल्ला खुदा तक मानता है, इला तक मानता है, उनके कहने का क्या है। और मैंने तो उनका भी तुम्हारे सामने पेश कर दिया, हकीकत तो हकीकत है, झूठा भी बता देता है। अभी हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली रजी अल्लाह तआला के फर्जंद थे, उनका एक खत भी उन रॉफिज की किताबों से मैं पेश करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत के नाम पे झूठ बोलने वाला शख्स है, पाक लोगों के लिए इसने खामखा उनको इस्तेमाल करने के लिए नाम लेता है और बदला नहीं ले रहा। ये खतूत भी अभी मैं पेश करूंगा। ये सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम, और सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ साथ फिर ताबीन, तबे ताबीन। अब देखिए, ये इब्ने असाकिर है, तारीख मदीना है दिमश्क, जिल्द नंबर 28, इसके अंदर एक ताबी का कौल है, वो कहते हैं यही हदीस शरीफ उन्होंने जो सकीफ के मुबीर और कज़ाब वाली है इसको जब पेश किया तो रावी कहते हैं फकुल्तु लिअबील मुहैया अम्मल कज़ाब व फकद रईना हो अलैसा यानिल मुख्तार काल ला अराहु इल्ला इया हो। कहा कि मेरी राय भी यही है कि कज़ाब से मुराद वही मुख्तार है, और इसके साथ दीगर जो मकामात हैं, यहां तक के सैयर अलाम नोबला में इमाम शाबी उनका कौल, और दीगर जो ताबीन हैं हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला हो उनके इसके बारे में फतवे, वो सारे एक इस्लामी लिटरेचर का हिस्सा है। ये इसलिए भी शाबी का मैं बयान करना चाहता हूं
कुछ लोग कहते हैं शाबी शिया रावी है, मुख्तलिफ अहवाल इसके बदले मुख्तार सख्फी के, और उन्होंने इसके साथ वक्त कुछ गुजारा। लेकिन जब झूठ नजर आया और इतना बड़ा झूठ, उसके बाद उन्होंने बरात का ऐलान किया और फिर उन्होंने अहले सुन्नत के मोतकदात को उजागर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। अल अखबार उत्तिवाल के अंदर जो अबू हनीफा अहमद बिन दाऊद दीनवरी की किताब है, इसके सफर नंबर 299 और 290 पर यह है कि इमाम शाबी कहते हैं, जो कि ताबीन में से हैं, कहते हैं कि मैं साथ था उस वफद के जिन्हें खत देकर मुख्तार मुख्तलिफ सादात और दीगर लोगों की तरफ वफद भेज रहा था, और उस वफद की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुमने हर एक को बताना है कि यह खत हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा है, जो मौला अली के फर्जंद हैं, कि मुख्तार के साथ हो जाओ और मुख्तार की बैत कर लो। इमाम शाबी कहते हैं वो जो लोग थे मैंने एक एक करके उनका इंटरव्यू लिया, कि खत में तो यह लिखा है, ये लोग कहते हम साथ थे उस वक्त जब मोहम्मद बिन हनफिया खत लिख रहे थे मुख्तार सख्फी की हिमायत में, हम साथ थे। तो शाबी कहते हैं फकोल तो फिनफ़्सी लम अस्ता लिम्हा मिन अजमी लम अत्मा मिन गैरी ही फातई तो फी मंजिले ही फकोल तो मा अख वफनी मिन आखबत अमरिना हाजा अन सिबन नास जमी अल्लना फाल शहीदता मोहम्मद अबन हनफिया ही न कतब अजा लिखकर किताब। क्या तुम पास थे जब मुख्तार सख्फी की हिमायत में हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो फर्जंद है मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के, उन्होंने खत लिखा, क्या तुम उस वक्त पास थे? तो अल अखबार उत्तिवाल में ये लफ्ज है, कहते हैं फकाला वल्लाहि मा शहीदतुहु हीन कतबा, मैं हरगिज़ पास नहीं था, मैं नहीं गवाही दे सकता कि उन्होंने ये लिखा है। फकाल शाबी फारफ तो इंदा जालिका किस्बल मुख्तार, इस वक्त मुझे मुख्तार के झूठ का पता चल गया। व तमवी हू, और वो जो हकायक को मसक कर रहा था झूठे खातूदर से अपनी हिमायत में लोगों के सामने पेश कर रहा था, कहते फखरज तो मिनल कूफा, मैं उसके बाद कूफे से निकल गया जहां मुख्तार सख्फी का दौर दौरा था। हत्ता लहक तो बिल हिजाज, मैं हिजाज वापस आ गया। फलम अशद मिन तिलकल मशाहिद शाया, उसके बाद कभी मैं मुख्तार सख्फी से नहीं मिला। इस तरह शाबी ने भी इस चीज की यह वजाहत की कि कैसे कैसे फ्रॉड होता रहा और बिल आकर यह भी उससे बेजार होकर निकले के उसी मरले में जब अभी ये हिमायत लोगों के लिए रहा था झूठा खत दिखाकर और जिनका नाम पेश कर रहा था कि वो देख रहे थे खत लिखा जा रहा था, उस नाम के लिहाज से भी उन्होंने खसूसी तौर पर तहकीक करके अपनी बरात का ऐलान किया। अब इसमें जो सही मुस्लिम की हदीस है उसके लिहाज से चंद हवाला जात पहले इन मुहद्दिसीन के, जिनकी राय अहले सुन्नत व जमात के नजदीक एक बहुत बड़ा दर्जा और मकाम रखती है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उनमें सरे फरिश्त जो हैं वो हजरत काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह, इकमालुल मौलिम बेफवायद मुस्लिम जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 599, जहां ये हदीस लिखी है कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा एक मुबीर होगा। हजरत अस्मा बिन की अबी बकर ये हदीस बयान कर रही थी, तो इमाम काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं तानिल मुख्तार अबना अबी उबैदिन, कि हजरत अस्मा बिन की अबी बकर इस हदीस में जो फरमाती हैं कि कज़्ज़ाब का तो हमें पता है मुबीर तुम है हजाज बिन यूसुफ, तो वो ये कहकर मुराद क्या ले रही हैं, कौन कज़्ज़ाब है? तो फरमाते उनकी मुराद थी मुख्तार सख्फी, कि हजरत अस्मा बिनती अबी बकर कज़्ज़ाब, जो हदीस में लफ्ज़ कज़्ज़ाब आया जिसके बारे में, उससे मुराद
मुख्तार सकफी ले रही थी, उनकी राय में भी ये मुख्तार सकफी था। इसके बाद इमाम कुर्तुबी उनकी शरह अल मुफहिम उसकी जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 504 में, तवज्जो करना, यह है अहले सुन्नत का लिटरेचर। क्या लिखा है? व अम्मल कज्जाब, यही सकीफ में कज्जाब और मुबीर, व अम्मल कज्जाब फहुल मुख्तार इब्न अबी उबैद अस्सकफी फइन्नहु इद्दा नबुवता। इस हदीस में कज्जाब मुख्तार सकफी को कहा गया। क्यों कज्जाब कहा गया? कहते हैं फइन्नहु इद्दा नबुवता, उसने नबुवत का दावा किया था। वताबियाहु अला ज़ालिका खल्कुन कसीर, और बहुत से लोग इस बात को मान गए थे, उसके पैरोकार बने थे। हत्ता कतलहुल्लाहु तआला, तो यहां पर इन्होंने इस हदीस की शरह में इमाम कुर्तुबी ने भी इस हकीकत को वाजे किया कि ये और कोई नहीं, एक तो खुद हदीस में जिक्र है जो हमने बहकी दलालुन नबुवा से बयान की, और फिर ये शारहीन इस तरह इसको जिक्र कर रहे हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह अद्दीबाज आला सही मुस्लिम इब्न अल हज्जाज, इसके अंदर ये 547 सफा है, इसी हदीस के तहत लिखा है फअम्मल कज्जाब फकद रईनाहु हुवा अल मुख्तार इब्न अबी उबैद अस्सकफी इद्दा नबुवता, कि उसने नबुवत का दावा किया था, और इस हदीस में कज्जाब से मुराद वो है। ऐसे ही मुस्लिम की जो दीगर शुरुहात हैं उनमें अस्सिराजुल वहाज, उसके अंदर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 250, उसमें भी यही लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया कि वो कज्जाब है, वो मुख्तार सकफी है। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की दीगर शुरुआत जिनमें मिन्नतुल मुनीम है, उसकी जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 166 पर फअम्मल कज्जाब फकद रईनाहु वल मुख्तार इब्न अबी उबैद सकफी, ये जिक्र है और साथ उसके दावा नबूवत का जिक्र है। ऐसे ही अगर आप देखें जो तिर्मिजी की शुरुआत है, तिर्मिजी की शुरुआत के अंदर भी इसका तस्करा इसी तरह किया गया है। जामे तिर्मिजी की शुरुआत में मसलन यह है आरिदातुल अहवजी जिल्द नंबर 5, इसमें यह वजाहत है, तवज्जो करना, यहां लिखा काल इब्नुल अरबी रहिमहुल्लाहु ताला, इब्ने अरबी रहिमहुल्लाहु ताला ने फरमाया इस हदीस के लिहाज से हाजा मिम मुजज़ाते ही, कि ये हदीस जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा एक मुबीर होगा, कहते हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात में से है। कैसे? है सो अखबारा बिमा यकूनु फी हाज़ल हदीस अल हसन अल गरीब फकाना मखरजुल मुख्तार कज़्ज़ाबन दज्जालन यज़ुम अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जैसे सरकार ने फरमाया था वैसे ही हुआ कि सकीफ का ये मुख्तार ये कज़्ज़ाब दज्जाल निकला, और कहते हैं वहुवा सालिस मिनत दजाजेला, वह सालिस मिनत दजाजेला, दज्जाल की जमा है दज्जाजेला, कि जो 30 दज्जाल थे उनमें से तीसरा ये है। ये इब्ने अरबी फरमाते हैं जिसको आरिदतुल अहवजी में तिर्मिजी की शरह में लिखा गया वहुवा सालिस मिनत दजाजेला बादा मुसैलमा वल अनसी लानाहुमुल्ला, मुसैलमा और अनसी लानाहुमुल्ला के बाद ये तीसरा था। ये तिर्मिजी की शरह के अंदर इस अंदाज में इसका तस्करा किया गया। मिशकात शरीफ की जो शुरुआत है उनमें मिरकात शरे मिशकात मिरकातुल मफाती जिल्द नंबर 11, इसके अंदर भी सफा नंबर 139 फी सकीफिन कज्जाबन व मुबीरा
اے مفسدہ فاما الكذاب فقد رئیناہ تعنی المختارہ، تعنی یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کی مراد اس میں کذاب سے مراد مختار سقفی تھی۔ ایسے ہی اشیعۃ اللمات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے انہوں نے بھی شعر مشکات کے اندر واضح دو ٹوک لفظوں کے اندر اپنا موقف لکھا اور اس میں یہ بات لکھی، اس کے مختلف جو پینترے بدلتا رہا اس کے اندر لکھا ومی گوئن کہ دعوی نبوت و نزول وحی کرد، کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی کے نزول کا دعویٰ کیا، واللہ اعلم، اور ساتھ یہ لکھا علماء اورا از کذابان می شمرند و این حدیث را کہ یخرج بن سقیف کذاب و مبین، اس کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ، اور اس کے مختلف احوال تھے، ان احوال میں یہ جو چچے کا ذکر کیا، اس چچے کو جو عقیدہ صحیحہ پر تھا مختار سقفی نے یہ تجویز پیش کی تھی، کس چیز کی؟ کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے اور ان کو بیچ کے معاذ اللہ ان کے پیسے لیے جائیں۔ یہ جو لاہور میں چنگی عمر صدوقی رافضی ڈائن ہے، اس کا اپنا کلپ موجود ہے کہ کچھ شیعہ، اس نے خود بولا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب جنگ تو جیت نہیں سکتے، تو مقابل سے جتنے پیسے ہوں لے لیں، تو حضرت امیر معاویہ سے کہ آگے امام حسن کو گرفتار کر کے بیچنا چاہتے تھے، اور یہ لفظ تو خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روافض کی کتاب احتجاج تبرسی میں موجود ہیں، جو اس موضوع پر ہے کہ جب آپ نے صلح کی تو لوگوں نے تنقید کی، تم نے ذلیل کر دیا، تو آپ نے فرمایا تم جیسے شیعوں سے مجھے امیر معاویہ اچھا لگتے ہیں، اور آگے ہے کہ تم نے تو میرے پیسے لینے کا ارادہ کر لیا، اب میں خود ڈائریکٹ اپنے معاملات جیسے طے کروں، میری عزت بھی ہے، میرا وقار بھی ہے، اور میں نانا جی کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، اور تم مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیچنا چاہتے تھے۔ یہ چیزیں باقاعدہ پھر سنی ریکارڈ میں بھی لکھی گئیں روافض کے بارے میں، جو زہبی کی تاریخ اسلام ہے، اس تاریخ اسلام میں یہ جو حصہ ہے صفحہ نمبر 61 سے لے کر 80 تک، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، صفحہ 61 ہے، کیا ہے؟ کانت الشیعہ تکرہ المختار، شیعہ نفرت کرتے تھے مختار سقفی سے، لما کان منہ فی امر الحسن ابن علی یوم توینا، ایک جرم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب امام حسن زخمی ہوئے تھے اس نے چچا کو تجویز دی تھی کہ اب کنٹرول ہم کر سکتے ہیں اور اس طرح ان کو بیچ دیا جائے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے ابن کثیر نے کہ جب یہ تجویز چچا کے سامنے سقفی نے پیش کی تو انہوں نے اس تجویز کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد انہوں نے اس کی مذمت کی کہ تم کیسے محب بنے ہوئے ہو۔ یہ ہے صفحہ نمبر 692 جلد نمبر 8 البدایہ والنہایہ۔ فلما احس الحسن منهم بالغدر فر منهم الى المدائن في جيش قليل فقال المختار لامه لو اخذت الحسن فبعثته الى معاويه رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی صلح کا موقع نہیں آیا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر تم گرفتار کر لو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مختار سقفی نے کہا اپنے چچا کو، لو اخذت الحسن فبعثته الى معاویہ، اور حضرت معاویہ کی طرف اس کو بھیج دو جکڑ کے،
لتخذت عنده الید البیضاء ابدا، تو امیر معاویہ کے ریکارڈ میں تمہارے کاغذ ہمیشہ درست ہو جائیں گے، تمہارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے، ید بیضا تم کو حاصل ہو جائے گا وہاں پر، تم ان کو گرفتار کر کے پیش کر دو، ماشاءاللہ۔ فقال له امه بئس ما تأمرونی بھی یبن اخی، اے میرے بھتیجے تم بڑی بری بات کر رہے ہو، یعنی ساتھی بنے ہو بغیر امام حسن کے اور ان کو گرفتار کر کے بیچنے کی باتیں کر رہے ہو کہ ان کو ہم دے دیں اور امیر معاویہ سے صلح کریں، اس بنیاد پر یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے کہا تھا کہ تم جو محبت ظاہر کر کے میرے پیسے لینا چاہتے ہو، میں ایسی صلح نہیں کرنا چاہتا، میں خود فرمان رسول علیہ السلام کی روشنی میں صلح کروں گا۔ اور یہ کہا بیدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میری مٹھی کے اندر بند ہیں، میں اب بھی مقبول ہوں، میں چاہوں تو 40,000 کا لشکر ٹکرا جائے امیر معاویہ کے لشکر سے، مگر نانا جی کا فرمان مجھے یاد ہے کہ میری وجہ سے صلح ہوگی، تو آج میں اس بنیاد پر امیر معاویہ سے صلح کر رہا ہوں۔ جو تاریخ اسلام ہے ذہبی کی، اس میں یہ لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو اس نے فراڈ کیا، معاذ اللہ، پہلے تو امام حسن کے لحاظ سے جب آپ زخمی تھے تو اس نے کہا گرفتار کر کے پیسے لیے جائیں ان کے، پھر لما قادمہ مسلم ابن عقیل الکوفہ بین یدی الحسین نازل دار المختار فبایعہ وناصحہ، یہ لوگ شہادت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان کرتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ بنیادی کردار کس بندے کا تھا۔ یعنی امام مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ گئے تھے، تو یہاں لکھا ہے ذہبی نے نازل دار المختار، مختار سکفی کے گھر رہے تھے، خط لکھنے والوں میں، گھر بلانے والوں میں، حفاظت کا حلف اٹھانے والوں میں، سب کچھ کر کے فبایعہ وناصحہ، بیعت کی کہ ہم ساتھ ہیں، یہ غداری تھی، یہ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی ہے۔ اس انداز میں، اس بنیاد پر پھر اس سے نفرت کی گئی، اور یہ دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی سے جو چھپا ہوا ہے، اس کی 20ویں جلد کے اندر بھی جہاں مختار سخفی کے حالات ہیں، صفحہ نمبر 106 پر یہ لکھا ہے کہ مختار نے اپنے چچا سعد بن مسعود کو یہ صلاح دی کہ حضرت حسن کو ان کے حریف کے حوالے کر دیا جائے، تو اس طرح کی اس کی صورتحال تھی۔ اور پھر محمد بن حنفیہ جو ہیں، انہوں نے جب اس کو اس انداز میں دیکھا، تو یہ بھی روافض کی کتاب ہے روضۃ الصفا جلد نمبر 5، اس میں صفحہ نمبر 2344 یہاں لکھا ہے، چون مختار بر ولایتے کے مذکور گشت، فرما روا شد کہ جب اسے حکومت مل گئی اس علاقے پر، کما یم بغی بھی، اس نے جو کہا تھا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کروں گا، بدلہ لوں گا، اس میں مصروف نہ ہوا، یعنی یہ نوبت آئی باقاعدہ خط لکھنے کی، کہتے ہیں کہ اس پر گفتن ای مرد کے دعویٰ دوستی خاندان طیبین و طاہرین می نمایت در قول خود صادق نیس، کہ یہ دعویٰ تو کرتا تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن یہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلے صفحے پر یہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط ہے، لکھا ہے تو با وسیلہ محبت اولاد و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خروج کر دی و پیوستہ اظہار ایمانہ می نمودی، کہ چون پر قتل آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر یابم برہیج کس ازہا ابکا نکنم اکنو راس و رئیس ایشان عمر بن سعد فارغ البال ہر صبح و شام بخانہ تو می آید و تو بوے با مدارہ و مواسہ زندگانی می کنی، کہ تو نے کہا تھا کہ میں سارے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، اب ان قاتلوں میں جو
जो सर फहरिस्त था वो तो उमर बिन साद था, और वो सुबह शाम तेरे घर बैठा होता है और तेरे साथ गप्पे लगा रहा होता है और तू उसके साथ खुश गपियों में मसरूफ होता है और तुम लड़के खाते पीते हो और उधर तू ये कहता था कि मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी इस खत की भी नौबत आई, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये खत भी लिखा। बहरहाल चूंकि जिन जिन लोगों ने कत्ले सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में किसी लिहाज से भी हिस्सा लिया वो कायनात के निहायत कमीने लोग थे, और कातिल जो है वो कभी भी अजाब और लानत से बच नहीं सकेगा। उनसे बदले की आड़ में इसने तहरीक उठाई, उसके बाद अगर ये मान भी लिया जाए कि इसने उन में से एक एक को कत्ल भी किया, लेकिन फिर भी जो उससे बड़ा हक था उसको जब रौंदा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ये तो जब अल्लाह और उसके रसूल के बारे में झूठ बोल रहा है तो हमारा मुहिब कैसे हो सकता है। इसने दावा नबूवत किया है और इसने ये दावा किया कि इस पर वही का नजूल होता है, लिहाजा ये हरगिज हमारी तरफ अपने आप को मंसूब ना करें। इस बुनियाद पर इख्तिताम बिलाकर फिर उस इर्तिदाद पर हुआ और उस कुफर पर हुआ कि जो दज्जालून कज़्ज़ाबून की खबर दी गई थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जगह ये फरमान हक है कि इन्नल्लाह युय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, रब चाहता है तो दीन का काम फाजिर से भी ले लेता है। अगर वो कुज़मान नामी बंदा ग़ज़वा हुनैन में फ्रंट पर लड़कर भी जहन्नमी करार पाया था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलन्नार फरमाया था, तो अगर किसी लिहाज से किसी अपने मनफ़त के लिए इसने बदला लिया भी है तो हमारे आइम्मा अहले बैत ने उसको शुमार नहीं किया, बल्कि इसका ये जो जुर्म था दावे नबूवत का, इस जुर्म को सामने रखते हुए इस पर अलल इतलाक आले सुन्नत व जमात का ये मौकिफ मैंने जो इतनी किताबों से आपके सामने पेश किया, ये है आले हक का मौकिफ। और इसमें अब हमें इस चीज को भी देखना है कि हमारे अस्मा और रिजाल की जो किताबें हैं उनका इस सिलसिला में फैसला क्या है, क्योंकि आखिरी और हतमी बात रिवायत पर होती है कि ये रिवायत करेंगे तो क्या रिवायत कबूल होगी, कोई ऐसा कौन कौन सा रावी है। लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 6 इसके अंदर ये सफा नंबर 7 है, सफा नंबर 7 के लिहाज से ये इन्होंने जहां भी बाप बनाया तो इसके नाम के साथ कज़ाब लिखा, लिखा है 1468 नंबर पर, क्या अल मुख्तार इब्नु अबी उबैद अस-सक़फ़ी अल कज़ाब ला यंबगी अन युरवा अनहु शयउन, इससे कोई शय भी रिवायत ना की जाए, क्यों लियन्नहु दालुम मुदिल्लुन काना ज़ाम अन्ना जिब्रील अलैहिस्सलाम यंज़िलु अलैहि, कि ये दावा करता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का इस पे नज़ूल होता है, लिहाजा ऐसे बंदे से हरगिज़ रिवायत करना जो है वो जायज नहीं है। हमारी तारीख की किताबें अब तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम सुयूती जिस वक्त लिखते हैं तो कहते हैं वफी अय्याम इब्ने ज़ुबैर कान खुरूजुल मुख्तार अल कज़्ज़ाब अल्लज़ी इद्दा नबूवता, कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के जमाने में इसका खुरूज हुआ, ये जाहिर हुआ ये कज़्ज़ाब था, ये दावा नबूवत करता था और फिर इसको कत्ल कर दिया गया। इस तरह ज़हबी ने जो सैयर अलाम नुबला के अंदर इसका बाब कायम किया है उसके अंदर फिर ताबीन के मुख्तलिफ जुमले और हालात इसके बारे में लिखे, यहां तक के मुख्तार सकफी के इन हालात में यह बात भी लिखी गई ताबीन की तरफ से, जो जो इसकी दलीलें थीं उसका रद्द ताबीन ने किया, और इसमें यह लिखा है कि इन्ना जिब्रीला यंजिलु अलैया बिल वाहिये, ये मुख्तलिफ किस्म के खत लिखकर वो सल्तनत में लोगों की तरफ जो है वो भेज रहा था और इस तरह लोगों को अपनी तरफ उकसाने की माज़ल्ला कोशिश कर रहा था। तो ये खुलासा आज के इस मौजू के लिहाज से आले सुन्नत व जमात यानी उनको जो इस सिलसिला में तारुफ होना चाहिए
कि कितने कज़्ज़ाब दज्जाल, कुल तादाद उनकी क्या है और उनमें से हदीस में किस किस को नामजद कर दिया गया है, और बिलखुसूस इसका तज़किरा जो है वो इन लफ्जों के साथ हमारी कुतुब में मौजूद है, और इसलिए ना इससे रवायत जायज है और ना ही इसके लिहाज से दूसरी सूरत हाल में कोई दुआ करना और किस लिहाज से नरम गोशा रखना इसकी कोई गुंजाइश मिलती है। या इन अलबिदाया व नहाया में सफा नंबर 693 पे लिखा, सुमलालत दौलतुल मुख्तार कल्लम तकुन व कजाले का सायर दौल व फारहल मुस्लिमून बेजवालिहा, जब इसकी हुकूमत खत्म हुई मुसलमान खुश हुए, वजालिका लेन रजुला लम यकुन फी नफ्सिही सादिका, इसलिए कि यह बंदा सच्चा नहीं था बलकाना काज़िबा, यह झूठा था, यज़ुम अन्नल वही आती है अला यदे जिब्रील, और माज अल्लाह ये गुमान करता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके पास वाही लेके आते हैं। यह सारा यानी मिर्ज़ा कादियानी उस कज़्ज़ाब दज्जाल का जो हलाकतों का सिलसिला है जिस तरह उलमा आज उसकी बातें पेश करते हैं, तो ये उस वक्त के अइमा ने इसका मुआख़ज़ा किया कि ये बातें इसने की हैं, और खतूत में लिखकर अपनी नबूवत के बारे में, झूठी नबूवत के बारे में इसने लोगों को वरगलाना शुरू किया। यहां तक कि हजरत इकरमा जो मौला इब्ने अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम और मुफस्सिरीन के सरदार, वो कहते हैं कि मैं कदम तो अल मुख्तार, मैं मुख्तार सकफी के पास गया, यह अलबिदाया में है, फअकरमनी वअनज़लनी इंदहू, उसने मेरी आवभगत की, मुझे अपने पास रखा, वकाना यताहदो मबीती बिल्लैल, और रात बसर करने का भी वो मेरा ख्याल रखता था कि मेरे मामूलात क्या हैं, फकाल अली उखरुज फहद्दिर सिन्नासा, तो एक दिन उसने कहा कि ये जो बहर मेरे लोग मानने वाले हैं इनको हदीस पढ़ाओ, जो गुफ्तगू करो इनके सामने। कहते हैं फखरज तो मैं मजमा आम में यानी मेहमान खाने से निकल के लोगों के सामने गया, फजा रजुलन एक बंदा आया यानी उसके मुरीदों में से, फकाला मा तकूलु फिल वाही, इकरमा वाहज के बारे में तुम क्या कहते हो, यानी उसका मतलब यह था कि वाहज का दरवाजा बंद हो गया या अभी जारी है, वो समझ रहे थे कि इनकी आओ भगत की है तो शायद कोई किस्म बनाए और जिसमें मुख्तार की हिमायत हो जाए। जब उसने पूछा तो आपने फरमाया अल वाहयो वाहयाने, वाहज की दो किस्में हैं, किसने कहा, हज़रत इकरमा ने ताबीन में से, वाहज की दो किस्में हैं, काल अल्लाह ताला बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, एक तो यह किस्म है जो अल्लाह नबियों पे भेजता है, एक ये किस्म है, दूसरी अल्लाह फरमाता है वकज़ालिक जअलना लिकुल नबीय्यिन अदुवन शयातीन अल इंस वल जिन यूही बादुहुम इला बाद, एक वाहज वो है जो शैतान शैतानों की तरफ करते हैं। तो वाहज की दो किस्में हैं, जो पंजाबी में कहते हैं ना काने नु कान खड़क जांदा, तो आपने अभी ये दो किस्में बनाई थी, अभी मुंतबिक नहीं किया था कि वो नबियों वाली वाहय और है और मुख्तार जो कहता है ये वाहय और है जो शैतान शैतानों की तरफ करते हैं, सिर्फ दो किस्में बनाई थी। तो कहते हैं फहमु याखुजूनी, उन्होंने मेरा मुहासरा कर लिया, यानी खतीब साहब को पकड़ने की कोशिश की जिन्हें दावत खिताब दी थी, इरादा किया कि वो मुझे पकड़ लें और मारे। हतिक्रमा कहते हैं मैंने कहा मालकुम वजाक इन्नी मुफ्तीकुम वज़ैफुकुम, मैं एक तो तुम्हारा मेहमान हूं और दूसरा मैं तुम्हारा मुफ्ती हूं, यानी मैं इस असर का पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं ताबीन में उस्ताद हूं और तुमने मुझसे मशवरा पूछा है और मैंने वाहिज का ही बयान किया है, तुमने पूछा है वाहिज के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने दो किस्में बता दी हैं, एक वाहिज जो नबियों पर होती है, दूसरी वाहिज जो शैतान शैतानों की तरफ करते हैं, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया है। तो इकरमा कहते हैं, रावी कहते इन्नामा अरादा इकरमा थू
بل مختاری و کس بھی فی دیاہی ان الوحی ینزل علیہ، ابھی آپ نے بیان کیا نہیں تھا لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو انہیں پتا چل گیا کہ اب یہ پھیرا مختار پہ ہی آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے یہ ملعون ہے، یہ شیطانی دعویٰ ہے۔ اس طرح کر کے تابعین نے بھرپور طریقے سے اس کا رد کیا، اور ایسے ہی اور بھی اس کے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ جس سے کفایت کے طور پر یہ کافی سلسلہ دلائل کا ہو جائے گا ہم نے ذکر کیا۔ ایک چیز جو مجھے لکھ کر دی گئی وہ یہ ہے کہ افغانستان کا کوئی کھلاڑی ہے جس کا نام انہوں نے محمد نبی رکھا ہوا، محمد نبی، تو وہ پھر جب کمنٹری ہوتی ہے تو کہتے ہیں نبی آیا یا نبی نے یہ کیا، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور بہت غلط۔ یعنی لفظ نبی کا اطلاق، اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو اصطلاحی نبی تو نہیں مانتے، لیکن لفظ نبی لغوی بھی کسی پر بولنا یہ جائز نہیں۔ اس کو غلام نبی کہہ لیں، اس کو نور النبی یا اس طرح کر کے کوئی لفظ ساتھ ملا کے، یعنی جو جس میں یہ نہ ہو کہ خود لفظ نبی کا اطلاق، کیونکہ جب محمد نبی کہیں گے تو مزید وہ تصور پکا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے بیعت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کانفرنس میں ہمارا پیغام ہے، اور بالخصوص موجودہ حکومت جو وہاں کیا کہ اس شخص کا نام بدلا جائے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے اور ناموس رسالت کے آداب کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اس کے ساتھ لیا میں ایک بہت خطرناک جسارت ہوئی کہ وہاں کا ایک شخص جس کا نام زاہد ظفر ہے، زاہد ظفر، اس نے معاذ اللہ گنبد خضرا کی توہین کی، باقاعدہ اس سے ثابت ہے گنبد خضرا کو گرانے کا معاذ اللہ مطالبہ اور اس طرح کی صورت، اور یہ کہ اس کو بت کہنا اور پھر گنبد خضرا کی مقدس تصویر پر کانٹے لگانا، یہ سب کچھ نے کیا ہوا۔ ہمارے وہاں چوک اعظم کے جو حضرات ہیں صاحبزادگان، صاحبزادہ محمد عمر حفیظ صاحب اور دیگر، ان کی کوششوں سے اس پر 295C لگی، وہ گرفتار ہوا اور ابھی بھی جیل میں ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ اس کی 295C ختم کر کے اس کی ہلکی سی شک لگا کر پھر اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کا جرم ایسا ہے کہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ آج کے اجتماع میں ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ زاہد ظفر نامی مجرم، اس پر جو 295C لگائی گئی ہے اسے برقرار رکھا جائے، اسے 295C کو، 295C کو، زاہد ظفر نامی گستاخ کی 295C کو برقرار رکھا جائے، اور اس کی جو شرعی سزا بنتی ہے اس کے مطابق اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ سب کو یہ کردار، یہ قرارداد منظور ہے؟ اگلا جو پروگرام ہے اس کا اعلان آپ نے ہاشمی صاحب سے سنا، صرف 10 دن کے بعد، کیا تاریخ ہے؟ 17 ستمبر۔ تو 17 ستمبر کو انشاءاللہ 34واں افکار رضا سیمینار منعقد ہو رہا ہے اسی جگہ پر، تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے ایک اس کے اشتہارات ہینڈ بل لے جانے اور بھرپور طریقے سے دعوت دینی، اور موجودہ صورتحال میں جو رفض کا حملہ ہے اور پھر کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں کتابوں میں، بالخصوص فتاوی رضویہ شریف میں، اور رفض اور تفضیل کی باتوں کو فتاوی رضویہ کی آڑ میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہم اس پر پہلے بھی کئی سیمینار کر چکے ہیں۔ اب یہ سیمینار جو ہے اس کا موضوع ہے
मकामो अहकामे सादाते किराम, उनका मर्तबा मकाम और उनके जो अहकाम हैं अहले सुन्नत व जमात के नजदीक। तो ये बड़ा भरपूर इल्मी सेमिनार होगा हकायक पर मबनी और अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के तहफ्फुज के लिए, इसकी भरपूर तरीके से दावत फैलाएं। और ये सेमिनार हम सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाने के लिए कर रहे हैं, यानी एक बड़े सैयद के उर्स पर जो सादात का मकाम कुरान और सुन्नत में है और बहुत बड़ा मकाम है, उसके इजहार के लिए तालीमाते गंजे बख्श के इजहार के लिए, तालीमाते गरीब नवाज के इजहार के लिए, तालीमाते बाबा फरीद के इजहार के लिए, तालीमाते मुजद्दद अल-फैसानी के इजहार के लिए और तालीमाते आला हजरत के इजहार के लिए खुसूसी तौर पर यह सेमिनार जो है वो मुनक्किद हो रहा है जुनैद जमा इमाम अल-असर इमाम अहले सुन्नत हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला। आपका जो इस्लामी तारीख के लिहाज से उर्स का दिन है वो सालाना उर्स मुकद्दस और जामिया जलालिया रिजविया मजहरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर, उसका जो सालाना जलसा दस्तार फजीलत है हुफ्फाज़े किराम की दस्तार के लिहाज से, उसके दावत भी आप लोगों को दी जा रही है। तो ये हैंडबिल इश्तिहार इसकी भी लें और भरपूर तरीके से वहाँ भी बड़े अहम मौजू पर इंशाल्लाह मकाला पेश किया जाएगा, उलमाए किराम रौनक अफरोज़ होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।